गुना हादसे पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस घटना में जो भी जिम्मेदार है उसे नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रबंध करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा इस मामले में जांच के आदेश किए जा चुके हैं। दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। प्रशासन इस तरह की घटनाओं को सख्ती से रोके इसके लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। सड़कों पर इस तरह के जो डेंजर जोन हैं, उनको भी चिन्हित करेंगे। डॉक्टर एसपी सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जा भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। और जो जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ, घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में न हो इसके प्रबंध भी करेगा। ये देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।